एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में एक बार फिर से। तो अभी यहाँ पर मॉर्निंग का टाइम हो रहा है और यहाँ पर मेरी मॉर्निंग क्लीनिंग जो है वो चल रही है। तो सबसे पहले मेरा किचन क्लीन होगा क्योंकि किचन बहुत ज़्यादा गंदा रहता है और किचन में ही बहुत सारे काम भी रहते हैं। तो फटाफट मैं पहले किचन का काम ख़त्म करूँगी, उसके बाद फिर जो है रूम का और फिर आगे पीछे जो झाड़ू वगैरह लगाना है वहाँ सब कुछ लगाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और इस टाइम ना थोड़ी सी मेरी तबीयत पता नहीं कि साथ नहीं दे पा रही है, जिसकी वजह से मेरा ब्लॉग्स बंद हो गया। जब भी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं कंटिन्यू अभी अच्छे से काम करूँगी तो पता नहीं क्यों मेरे साथ ऐसा हो ही जाता है कि मैं कर ही नहीं पाती हूँ। पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो जाता है सच में। तो हो सकता हो ये ब्लॉग 2 दिन का हो जाए, क्योंकि बहुत मुश्किल हो रहा है यार मैनेज करना बहुत ज़्यादा। और आज जब मैं इसको एडिटिंग कर रही हूँ तो आज है शायद 4 नवंबर। हाँ, देख के बताते हैं क्योंकि हमको दिन तारीख भी बिल्कुल याद ही नहीं रहता है। हाँ नहीं, आज 5 तारीख है, 5 नवंबर है। तो आज है 5 नवंबर और ये 5 नवंबर का मॉर्निंग का ब्लॉग है जब मैं एडिटिंग कर रही हूँ। और आप सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, प्लीज़ ब्लॉग को फुल वॉच कर लिया करो यार। देखने में थोड़ा सा आसान लगता है लेकिन करने में ना फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, बहुत 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 ज़्यादा, एकदम हालत ख़राब हो जाती है। और आप सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ कर लेना, वीडियो को फुल वॉच कर लिया करो, कमेंट्स करना बिल्कुल मत भूला करो। आप लोग पता नहीं क्यों कमेंट्स भी नहीं करते हो, तो प्लीज़ 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 आप लोग कमेंट्स ज़रूर करना और मेरी वीडियो को फुल वॉच ज़रूर कर लेना। तो अभी मुझे थोड़ी सी तबीयत इसलिए ख़राब थी ना, पता नहीं कि मुझे फ़ीवर आ जा रहा है, समझ नहीं आ रहा है। दवा वगैरह मैं इतना ज़्यादा खाती नहीं हूँ, बहुत ज़्यादा जब हद से बाहर हो जाता है ना तभी खाती हूँ, नहीं तो मुझे दवा वगैरह बिल्कुल खाना अच्छा नहीं लगता है। लेकिन अभी मैं थोड़ा सा आराम है, दवा वगैरह मैंने थोड़ा सा खाया है और थोड़ा सा आराम हमको नहीं मिल पा रहा है क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, फिर घर के काम बहुत ज़्यादा हो जाते हैं ना। तो मुझे पता है मेरी तबीयत किस वजह से ख़राब हो रही है। चाहिए होता है ना कि थोड़ा देर, आधे एक घंटे आपको आराम मिल जाए तो थोड़ा सा अच्छा महसूस होता है, लेकिन मेरी किस्मत में आराम है ही नहीं है, मैं क्या करूँ। तो चलो फ्रेंड्स, काम करते हैं, फिर मिलते हैं आप सभी से। और आप सभी के ऊपर मुझे पूरा विश्वास है और पूरा उम्मीद है कि आप लोग मुझे ज़रूर मेरी मंजिल तक पहुंचाएंगे। तो इसलिए मैं कंटिन्यू मेहनत करती रहूँगी, मैं मरती रहूँगी तभी मैं ब्लॉग अपलोड कर दूँगी कि भाई मैं मर रही हूँ, देख लो। तो प्लीज़ मैं ब्लॉगिंग नहीं छोड़ने वाली हूँ, चाहे जो हो जाए। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में एक बार फिर से। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप पूरा दिन तैयार रहती हैं, आप करती क्या हैं? चलो मैं आज दिखाई देती हूँ कि मैं पूरा दिन करती क्या हूँ। अभी देखो, मैंने जो है साड़ी पहना था शॉर्ट्स बनाने के लिए, अभी हो रहा है शाम का टाइम, तो शॉर्ट्स वगैरह मैंने बनाया, उसके बाद मैं लाइव भी गई थी और उसके बाद अभी यहाँ पर मैं खाना बना रही हूँ। तो ये हो गया, तो मैं सारा काम धाम ख़त्म करके, बच्चा संभाल के, सारा कुछ करके मैं शॉर्ट्स बनाती हूँ। फिर भी यार आप लोग जब ऐसा कहते हो ना कि पूरा दिन तैयार होकर आप करते क्या हो, तो मुझे बहुत गुस्सा आती है सच में, क्योंकि मैं तैयार होती हूँ तो मुझे पता है ना मैं क्या क्या कैसे कैसे अपने घर के सारे काम को मैनेज करती हूँ, बच्चों को संभालती हूँ, उसके बाद में ये सारा काम ख़त्म करती हूँ, क्योंकि मैं भी बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ इन सब चीज़ों में। लेकिन फिर आप लोग के ऐसे कमेंट्स देखकर मुझे बहुत गुस्सा आता है, दुख भी होता है कि अरे यार, मतलब इतने दिन से आप लोग मेरा ब्लॉग देख रहे हो, आप लोग अभी हमें समझ नहीं पाए, तो इसलिए थोड़ा सा दुख होता है। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पर मैं बनाने जा रही थी सब्ज़ी और आज बहुत ही सिंपल सब्ज़ी है। यहाँ पर मैंने करेला कट किया है, साथ में आलू कट किया है। आलू पति देव करेला नहीं खाते हैं, बच्चे करेला नहीं खाते हैं, तो आलू जो है उनको बीन बीन कर उसी में से दे देंगे। वैसे आलू का चोखा भी मैंने बनाया है, साथ में दाल बनाएंगे तो बच्चों के लिए चोखा हो जाएगा, प्लस मैंने आलू भी इस करेले में डाल दिया है, तो थोड़ा बहुत करेले के साथ वो भी थोड़ा बहुत टेस्ट करवा देंगे इन लोगों को, क्योंकि इन लोग खाते नहीं और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पर फटाफट से मैंने करेला चौंक दिया, दूसरी तरफ मैंने दाल चढ़ाया है, दाल में तड़का लगाना है। और ये है मेरा रात का खाना, रात का खाना जल्दी बन जाता है, हम लोग कोशिश करते हैं कि 7:30 तक खाना खा लें। कभी कभी होता है कि 10:30 बज जाता है, कभी कभी हम लोग जल्दी खा लेते हैं। वैसे पहले हम लोग 7 बजे खा लेते थे, लेकिन अभी कुछ टाइम से रूटीन हम लोग का बहुत ज़्यादा जो है चेंज हो चुका है, तो इससे थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। जल्दी खाने से आपकी पाचन जो क्षमता होती है वो बहुत अच्छी रहती है, और हम लोग की हम दोनों लोग की जो है पेट की कोई भी समस्या नहीं है, भगवान से दुआ की हो भी ना, क्योंकि हम लोग जल्दी से खाना खा लेते हैं और वो जब हम लोग सोने जाते हैं तब तक तो वो अच्छे से पच जाता है। तो अगर आपको भी पेट से संबंधित कोई समस्या है तो आप जल्दी खा लिया करिए, उसके बाद थोड़ा बहुत टहल लिया करिए, तो इससे खाना वाना अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है।
उसके बाद यहाँ पर फटाफट करेला लगा दिया, छोंक दिया, और दूसरी तरफ मैंने दाल चढ़ा दिया है। अभी आटा लगा लेंगे, उसके बाद रोटी बना लेंगे। चावल नहीं बनाएंगे क्योंकि चावल इस टाइम पर हम नहीं बनाते हैं। मॉर्निंग में भी बनता है, दोपहर में दाल चावल बनता है, लेकिन आज दोपहर को नहीं बनाता क्योंकि सुबह मैंने सब्जी पूरी बनाई थी, भुजिया बनाया था और पूरी बनाया था। तो भुजिया जो है मैंने आलू बॉयल करके बनाया था, तो उसी में से 2-3 आलू मैंने एक्स्ट्रा डाल दिया था, तो उसका मैंने इस समय चोखा बना लिया। क्या करूँ, हाउसवाइफ ना, ये सारी चीज़ें मैनेज करना पड़ता है कि कैसे क्या होगा, सुबह क्या बनेगा, दोपहर में क्या बनेगा, बहुत सारी चीज़ें हैं ना जिसको हम लोग को देख के चलना पड़ता है। तो यहाँ पर सारी चीज़ें जो है खाने की तैयारी मैंने करी अभी, और यहाँ पर लहसुन कट कर रहे हैं जो कि दाल में तड़का लगाएंगे। और मेरे जो कुंज है, मेरे कुंज साहब को सादी दाल बिल्कुल नहीं पसंद है, उनको लहसुन और हींग का जो है तड़का, जीरे का तड़का जब तक नहीं लगता मेरा क्यूटी दाल रोटी खाता ही नहीं है। और थोड़ा सा ऐसे बन जाता है ना तो टेस्टी लगता है, तो बहुत प्रेम से खा लेता है। तो बच्चों के लिए सब कुछ यहाँ पर फटाफट से जो है दाल में तड़का लगाया, और कुछ इस तरीके से मेरा काम होता है फ्रेंड्स। मैं मॉर्निंग में सुबह मैं 5 बजे उठ जाती हूँ, पूरा दिन मैं चलती रहती हूँ, पूरा दिन मैं बैठती नहीं हूँ, एक दिन भी मैं आराम से नहीं बैठती हूँ। और जब भी आप सभी के ऐसे कमेंट्स देखती हूँ ना तो बहुत ज़्यादा दुख होता है यार, सच में। प्लीज़ सपोर्ट करो यार, बहुत मेहनत कर रही हूँ मैं फ्रेंड्स, बहुत 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 ज़्यादा। एक मेहनत होती है ना, एक बहुत मेहनत होती है, जितना मैं मेहनत कर रही हूँ शायद कोई यूट्यूबर करता होगा, क्योंकि मैं सच में मेहनत कर रही हूँ यार। लेकिन पता नहीं क्या कमी रह जा रही है मेरे मेहनत में जो कि मैं सफल नहीं हो पा रही हूँ, मुझे ये नहीं समझ आ रहा है। कोई दिक्कत नहीं, हो सकता अभी मेरा टाइम नहीं है, अपने टाइम का इंतजार करेंगे, जब भी मेरा टाइम आएगा तो आएगा। भगवान जी से प्रार्थना है कि जल्दी से मेरा टाइम ला दो, और आप सभी प्लीज़ दुआ करो, प्रेयर करो मेरे लिए कि मेरा भी टाइम आ जाए। तो बस यहाँ पर सब्जी हो गई, दाल में तड़का लगा दिया, फटाफट रोटी बन रही है। तो पतिदेव के आने से पहले वहाँ ये भी कमेंट थे कि आप पतिदेव को ठंडा खाना क्यों खिलाती हो। देखिए अभी मैंने रोटी बना के गैस स्टोव में रख दिया, तो वो गर्म रहता है, और जब वो आते हैं तो मैं उनको सेक कर देती हूँ। और रही बात अभी गर्मी हो रही है, ठंडी की बात है, तो ठंडी को जब पतिदेव आते हैं तो मैं उनके आने के 20 मिनट पहले मैं किचन में आती हूँ, तो खाना वाना मेरा तभी बनना शुरू हो जाता है, क्योंकि ठंडी में अच्छा नहीं लगता ठंडा खाना, और गर्मी में गर्म खाना भी इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। तो गर्मी में चल जाता है, ठंडी में मैं गर्म ही खिलाती हूँ। तो आपके इस सवाल का भी जवाब मिल गया, क्या करूँ बच्चे हैं फिर मैं, हाँ बहुत चीज़ें संभालनी पड़ती यार। मॉम सिर्फ हाउस वाइफ होती, बच्चे ना होते तो भी मैं जो है कोशिश करती कि हाँ उनके टाइम से सारा कुछ कर दूँ। अभी जो है मॉम होना तो टाइम से सारा चीज़ करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जब मैं सोचती हूँ कि मैं 8 बजे आज खाना बनाऊँगी, तो पता चला 8 बजे मेरा बच्चा ही नहीं सो रहा है, वो रो रहा है। तो आप ही लोग बताओ कैसे मैं बना लूँगी 8 बजे खाना। तो बहुत सारी दिक्कत होती है यार, ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पर बन गया मेरा खाना, लगे हाथ मैंने किचन क्लीन कर दिया, क्योंकि किचन गंदा रखना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता मेरा किचन गंदा रहता है। तो फटाफट मैंने किचन कर दिया अपना क्लीन, और अभी जो है सारा काम मेरा फ़िलहाल किचन का ख़त्म हो चुका है फ्रेंड्स। अभी थोड़ा सा बैठते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए हैं, और फिर मिलते हैं आप सभी से। अभी हो रहा है शाम का टाइम, और नो 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 नो, गर्मी बहुत 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 तेज हो रही है। बंदर खेल लिया, अच्छा ठीक है, बाल छोड़ो नहीं टूट जाएगा। जो भी है लीता यहाँ पर बैठी है, देखो लो कुंज लो, अभी लो, गर्मी की मारी हालत खराब है एकदम, कुंज वहाँ है। हाँ पतिदेव को देख लो, तो कुछ इस तरीके से होता है हम लोग का इवनिंग रूटीन। मौसम बहुत अच्छा है, दिखाते बैक कैमरे से, ऐसे देख लीजिए, देखिए मौसम बहुत 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 खूबसूरत है। सिंदूर देखो, ये